हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सुबह अपने घरों में सोए हुए थे, तभी अचानक फैक्ट्री में रखे पटाखों में धमाका शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरा मकान राख हो गया। लेकिन इस मामले में सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं करने से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सकरी गली में तमाशबीनों की भीड़ और आग पर काबू पाने की कोशिश करते लोगों की ये तस्वीरें कुशीनगर की हैं, जहां त्योहार के मौके को मुनाफे में बदलने की कोशिश ने चार लोगों की जान चली गई। जब कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा मोहल्ला में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हम लोग नाले में नहीं था। वहाँ सड़क के बगल में है, इनका है बनाने का, भी हम लोग के नॉलेज नहीं था। हम यहाँ के, उनका घर वहाँ है। हादसे के पहले इलाके में रहने वालों को अंदाजा नहीं था कि घरों के बीच भारी बारूद का अवैध जखीरा जमा करके पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। लेकिन बुधवार की सुबह अचानक इस घर में आग और धमाकों के सिलसिले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि कई साल पहले भी यहाँ पटाखे की फैक्ट्री में हादसा हो चुका था और लोगों ने पुलिस से अवैध पटाखे की फैक्ट्री के बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। मान लो घनी आबादी में पटाखा अगर बनता तो ये तो प्रशासन में जिम्मेदारी बनती है ना। इस तरह का घटना पहली बार हुआ है कप्तानगंज में। हालांकि अब पुलिस का भी कहना है कि इलाके में चल रही पटाखा फैक्ट्री अवैध थी और बिना लाइसेंस के यहाँ पटाखा बनाए जा रहे थे, जो इस हादसे की वजह बने। लेकिन पुलिस अब इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। इसमें मामला प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसने अपने घर में पटाखे का भंडारण कर रखा था और सुबह उसमें आग लगी और वहीं पास में रखे एक सिलेंडर में भी आग लगने से विस्फोट हुआ। और इसमें जो हमारे स्तर से कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमारा जो पहला उद्देश्य है कि जो घायल हैं उनको पूरा इलाज मुहैया कराएं। फिलहाल कुशीनगर पुलिस ने इस खौफनाक घटना की जांच में लगी है, लेकिन शिकायत मिलने के बावजूद बारूद के अवैध गोदामों पर कार्रवाई नहीं करके कुशीनगर पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि अगर समय रहते इस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती तो चार लोगों की जान नहीं जाती। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।